हेलो दोस्तों, आज ये बना रहे हैं नारियल वाले बहुत ही मजेदार से लड्डू। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और खास बात ये है कि ये लड्डू बिल्कुल भी 10 से 15 दिन तक खराब नहीं होंगे। इसको हमने बहुत ही अच्छी टेक्निक से बनाया है, तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। नारियल के लड्डू बनाने के लिए मैंने ये नारियल का बुरा लिया है और मैंने ये इस चम्मच से मेजर करके 4 चम्मच लिए। इस तरह से 4 चम्मच नारियल का बुरा लिया है। और ये लिया मैंने मिल्क पाउडर, और मिल्क पाउडर मैंने इस चम्मच से, जो मिल्क पाउडर में जो स्पून आता है, 2 स्पून मिल्क पाउडर है, इसी चम्मच से मेजर करके मैंने ये दाना शुगर ली है। और ये लिया मैंने 2.5 चम्मच, थोड़ा सा इलायची पाउडर है, और कुछ बादाम से जिनको मैंने रफली चॉप कर लिया है, और 1 कप मैंने मलाई वाला दूध लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और इस पर टिका देंगे एक फ्राई पैन। पैन के अंदर डाल देंगे नारियल का बूरा और इसको हम 1 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। और ये क्या होता है, डेजिकेटेड कोकोनट का बूरा है और ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। मैं आपको पैकेट दिखाती हूँ, देखिए इस तरह का आता है और ये पैकेट के रूप में मार्केट में मिल जाता है, डेजिकेटेड कोकोनट का पाउडर। सर ड्राई रोस्ट करना था तो वो हो चुका है। अब हम अपना मलाई वाला दूध इसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं। तो ये मैंने 1 कप मलाई वाला दूध इसके अंदर डाल देना है और अब हम इसको कंटिन्यूसली चलाते हुए पका लेंगे, जब तक पकाएंगे जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। गैस का फ्लेम हाई कर लें और इस तरह से जब जैसे उबाल आएंगे तो 2-4 उबाल में ही आपका जो दूध का जो पानी है वो जल जाएगा और ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा बेटर। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल इसको रोकना नहीं है, क्योंकि इस तरह से हिलाते रहना है, नहीं तो कहीं से चिपक जाएगा या जो चिपक जाता है तो उसकी स्माइल होती है वो खराब आती है और अपनी जो मिठाई है वो खराब हो जाती है, तो हमें खराब नहीं करना है। तो इस तरह से मैंने इसको चलाते हुए, तो देखिए इसकी गाढ़ा कर लिया, इसको चलाते हुए बिल्कुल कंटिन्यूसली। और जब ये इस तरह से गाढ़ा हो जाए तो आप इसके अंदर इलायची पाउडर डाल दें। तो ये देखिए ये इलायची पाउडर डाल दिया मैंने और साथ में डाल दूंगी मैं ये चीनी। तो अब हम इसको भी मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से और 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। 2 मिनट मैंने पहले पकाया था दूध को गाढ़ा करने के लिए और अब मैं चीनी को गाढ़ा करने के लिए 2 मिनट तक और पका लेती हूँ उसको अच्छे से मिक्स करके, और फिर गाढ़ा कर लेते हैं। चीनी अच्छी तरह से मिल गई है तो अब हम लास्ट के अंदर जो अपना मिल्क पाउडर है वो डाल लेते हैं। ये मिल्क पाउडर है 2 चम्मच, इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट तक इसको पका लेंगे। मिल्क पाउडर भी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है तो अब हम इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है, और हम इसका थोड़ा सा लुक और टेस्ट चेंज करने के लिए इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स हमने मिलाए हैं। बिना ड्राई फ्रूट्स के भी लड्डू बहुत अच्छे बनते हैं नारियल के। तो 2 से 3 मिनट तक मैंने पूरे बैटर को अच्छी तरह से पका लिया है और ये बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार है। आप देख रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी हो गई है, परंतु अभी ये लड्डू बंधने के स्टेप में नहीं आया है, तो थोड़ा सा और मैं इसको गाढ़ा कर लेती हूँ ताकि जो आपके लड्डू है ना कम से कम 10 से 15 दिन तक बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। तो अब कंसिस्टेंसी कैसे देखेंगे आप, देखिए इस तरह से जब ये कढ़ाई है ना बैटर को छोड़ने लगे बिल्कुल से ना चिपके कढ़ाई के बैटर, तो गैस का फ्लेम बंद कर दें और बैटर को कढ़ाई से निकाल करके किसी प्लेट में निकाल करके ठंडा कर लें। तो अब ये कंसिस्टेंसी हमारी बैटर की होनी चाहिए, बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी है। अब बैटर को ठंडा कर लिया मैंने 2 से 3 मिनट के लिए। अब ये देखिए इसको मैं बांध रही हूँ तो किस तरह से ये बिल्कुल हाथों के नहीं चिपक रहा है, वो बिल्कुल गोल गोल बॉल की तरह बन रहा है। तो ये अगर आप कंसिस्टेंसी बैटर की बना लेंगे अपने पेस्ट की तो आपके लड्डू बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। टेस्ट में मैं आपको बताऊँगी कि
इतने बढ़िया ये लड्डू बने हैं कि आप एक बार ट्राई करके जब बनाएंगे ना थोड़ी सी क्वांटिटी में, तो आप यही कहेंगे कि वास्तव में लड्डू बहुत अच्छे बने, बहुत बढ़िया, बहुत गजब की मिठाई बनी। और ऐसी मिठाई तो आपको हलवाई की दुकान पे भी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसमें भी वो कुछ ना कुछ मिलावट करते हैं। ये प्योर मिठाई है, अपने हाथों से बनी हुई है और बहुत ही इसका बढ़िया टेस्ट है। तो इस तरह से मैंने बैटर लिया और इसको गोल गोल बॉल के रूप में बना लिया। तो लड्डू हमारे बन करके बिल्कुल तैयार है। अब मैं थोड़ा सा सूखा डेजिकेटेड कोकोनट पाउडर लूँगी और इसको ऊपर से कोट कर लेंगे। और देखिए कितने बढ़िया, खूबसूरत से और टेस्ट में लाजवाब से हमारे लड्डू बन करके तैयार है। इसी तरह से हम अपने सारे लड्डू तैयार कर लेंगे और इनको बॉक्स में भर करके, गत्ते के डब्बे में भर करके फ्रिज के अंदर रख देंगे और इसको हम 10 से 15 दिन तक आराम से खा सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और मेरे इस इतने सारे बैटर से 8 लड्डू बने हैं। आप भी इतना ही बैटर लेकर के सिर्फ इतने ही लड्डू बनाइएगा। जो भी आपके लड्डू का टेस्ट बने मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया लड्डू बने हैं। थैंक यू।